हेलो फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी योनो लाइट एप्लीकेशन का लॉगिन आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, यानी कि आप लोग भी योनो लाइट एप्लीकेशन में यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, बिल्कुल भी याद नहीं है, और आप उसे रिकवर करना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप विद प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने भूले हुए यूजर आईडी और पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और साथ ही नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग अपने डेली लाइफ में मैसेजिंग ऐप से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स की जानकारी लेना चाहते हैं, या फिर आप ये जानना चाहते हैं हैकर्स आपके अकाउंट पर, आपके मोबाइल पर किन किन तरीकों से अटैक करते हैं, आपके अकाउंट को हैक करते हैं, और उन सारे तरीकों का तोड़ जानना चाहते हैं, उपाय जानना चाहते हैं, तो आप लोग एक बार SGG एजुकेशनल क्लास के चैनल को जरूर विजिट कीजिए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ढेर सारी नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिल जाएगी जो आपके डेली लाइफ में जरूर काम आएगी। सो प्लीज विजिट हेयर एंड सपोर्ट हेयर, नो मनी रिक्वायर्ड। बात करते हैं मेन पॉइंट की। उससे पहले एक पॉइंट और क्लियर कर दूं दोस्त, पता नहीं आजकल आप लोग वीडियो देखना छोड़ दिए हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, मुझे नहीं पता क्यों, शायद आप लोग की मेरे वीडियो में त्रुटि कुछ नजर आने लगी है। तो भाई, अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ त्रुटियां नजर आने लगी है, गलतियां नजर आने लगी हैं, तो मैं आपका छोटा भाई हूँ, दोस्त हो यार, आप मुझे बता सकते हैं कि बंदा तू गलत बता रहा है, दोस्त भाई तू गलत बता रहा है, यहाँ पर ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, आप देखना मत छोड़ो यार, क्योंकि एक एक वीडियो काफी मेहनत करने के बाद बनता है, काफी ज्यादा नॉलेज लेने के बाद बनता है, आप लोगों के लिए लाता हूं। तो भाई आप लोग लाइक किया करो, शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ, और आप खुद वीडियो तो जरूर देखा करो। मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता हूं, इसलिए यार आप लोग वीडियो को देखना मत छोड़ो और सपोर्ट करो, जितना ज्यादा हो सके सपोर्ट करो, जिससे कि मैं काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाऊं और आप लोग की डेली, आप लोग के लिए डेली एक नए नए नॉलेजेबल कंटेंट लाता रहूं। सो प्लीज सपोर्ट मी। पैसा नहीं लेगा यार, मुझे पता है, गारंटी है पैसा नहीं लेगा। देखिए, अब बात करते हैं मेन पॉइंट की। दोस्त, अगर आप लोग अपने योनो लाइट एप्लीकेशन में लॉगिन आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं तो आप उसको आसानी से रिकवर कर सकते हैं। वैसे इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने ये बताया है कि अगर आप योनो SBI या फिर इंटरनेट बैंकिंग का या फिर योनो लाइट एप्लीकेशन का यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं तो आप आसानी से रिकवर कर सकते हैं इस प्रोसेस की हेल्प से, जिसमें मैंने क्रोम ब्राउजर में जाकर के सारा प्रोसेस बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लेना। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पार्टिकुलर सिर्फ यूनो लाइट एप्लीकेशन का यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वैसे तो यूजर आईडी और पासवर्ड तीनों का सेम ही होता है, इंटरनेट बैंकिंग का, योनो SBI का और योनो लाइट का, एक ही यूजर आईडी और पासवर्ड होता है, अलग अलग नहीं होता। लेकिन आज मैं आपको योनो लाइट एप्लीकेशन के थ्रू ही इस यूजर नेम और यूजर आईडी को रिकवर करने का, यूजर पासवर्ड को रिकवर करने का प्रोसेस बताने वाला हूं, उसमें मैंने क्रोम ब्राउजर के थ्रू बता रखा है, और यहां पर आज मैं आपको योनो लाइट एप्लीकेशन के थ्रू रिकवर करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा। वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत करना यार, क्योंकि अगर एक पार्ट मिस कर गए ना तो आप समझ नहीं पाओगे, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है अभी भी। ओके, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने मोबाइल में योनो लाइट एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद इस तरह का यूजर इंटरफेस दिख जाएगा। अब यहाँ पर एम पिन है, यानी कि इजी पिन है, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। दोस्त, यहाँ पर देखिए, ना तो मुझे यूजर नेम याद है और ना ही मुझे पासवर्ड याद है, तो डालू तो मैं क्या डालू यार, कुछ भी तो याद नहीं है, या फिर सिर्फ यूजर नेम याद है, पासवर्ड याद नहीं है, पासवर्ड याद है तो यूजर नेम ही भूल गया हूँ, कैसे लॉग इन करूँ। ओके, तो दोस्त अगर आप लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं और रिकवर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको देखिए नीचे में एक ऑप्शन दिख रहा होगा फॉर गॉट लॉग इन पासवर्ड का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसेस चालू हो चुका है, इसलिए आप वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। पहले आपको यूजर नेम पता करना है कि आपका यूजर नेम क्या है। ओके, तो उसके लिए यहां पर देखिए एक ऑप्शन है फॉरगॉट माई लॉग इन पासवर्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे ही कीजिएगा तो आपको काफी सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। यहाँ पर देखिए फॉरगॉट यूजर नेम, फॉरगॉट लॉग इन पासवर्ड, तो आपको सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जो प्रोसेस आप क्रोम ब्राउजर में कर रहे थे वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होने वाला है, लेकिन सिर्फ आप वहाँ पर क्रोम ब्राउजर के थ्रू कर रहे थे, यूनो एसबीआई एप्लीकेशन के थ्रू नहीं कर सकते थे, और यहाँ पर आप यूनो लाइट एप्लीकेशन के थ्रू सारा प्रोसेस कर रहे हैं। वीडियो लंबी जरूर हो सकती है लेकिन काफी नॉलेजेबल होगी। ओके, अब देखिए इस तरह का पेज ओपन हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पर CIF नंबर मांगा जा रहा है। दोस्त यहाँ पर मैं आपको बता दूं, काफी सारे यूजर्स कमेंट कर रहे हैं कि सर आपने जो CIF नंबर डालने के लिए बताया है वो CIF नंबर इनवैलिड बता रहा है, रॉन्ग बता रहा है, क्या करूं, जबकि मैं सही पासवर्ड सही CIF नंबर डाल रहा हूँ, क्या करूं। तो दोस्त इसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लेना, उसमें कंप्लीट प्रोसेस मैंने बता रखा है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ओके, अब यहाँ पर आपको CIF नंबर डाल देना है, उसके बाद यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं इंडिया से हूँ, इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देना है जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है, जिसका आप यूजर नेम और पासवर्ड रिकवर करना चाहते हैं, उस अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर डालना है, ना कि कोई और मोबाइल नंबर डाल दीजिए, फिर काम ही नहीं करेगा और आप बोलोगे कि भाई काम नहीं कर रहा है, आपने गलत बता दिया। ओके, उसके बाद ये जो टेक्स्ट है ना इस बॉक्स में डाल देना है, इस बॉक्स में, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एक ओटीपी आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, उस ओटीपी को इस बॉक्स में डाल देना है और कंफर्म पर क्लिक कर देना है। मुझे ओटीपी आ चुका है, देखिए ये रहा मेरा ओटीपी, मैं इसे डाल देता हूं, उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देता हूं। सो फ्रेंड्स देखिए, जैसे ही मैंने सबमिट पर क्लिक किया तो यहां पर मेरा यूजर नेम आ चुका है, यानी कि अब आप अपना यूजर नेम पता कर चुके हो कि आपका यूजर नेम क्या है, ठीक है, मतलब कि आपका यूजर नेम रिकवर हो गया है। ओके, यानी कि दोस्त मैं आपको बता दूं, एक पॉइंट क्लियर कर दूं, आपका यूजर नेम हमेशा सेम ही रहेगा, अलग अलग नहीं होगा, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। जो एक बार आपने क्रिएट कर लिया यूजर नेम, वही यूजर नेम आपका लाइफ टाइम रह जाएगा। हाँ, पासवर्ड आप बार बार चेंज कर सकते हो, वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा। तो आप यूजर नेम रिकवर कर चुके हो, अब आपको पता करना है पासवर्ड, तभी तो आप लॉगिन कर पाओगे ना, तो उसके लिए भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है, आपको बैक आ जाना है। अब फिर से आपको यहां पर फॉरगॉट लॉगिन पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से सेम पेज आ जाएगा, यहाँ पर अब बाय डिफॉल्ट माय लॉगिन पासवर्ड सेलेक्ट हुआ रहेगा, आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम डालना है जो अभी अभी आपने पता किया है, रिकवर किया है, फर्स्ट वाले बॉक्स में यूजर नेम। यहाँ पर आप अकाउंट नंबर डाल दीजिए जो आपका अकाउंट नंबर है, आपके पासबुक पर दिख जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको डाल देना है जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है जो आपके आधार कार्ड पर होगा, क्योंकि आप अपना आधार कार्ड अपने बैंक अकाउंट से लिंक करवा रखे होंगे। अगर नहीं करवाए हुए हैं और आपको बैंक अकाउंट में लिंक करना नहीं आता आधार कार्ड, तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप देख लेना। ओके, उसके बाद यहाँ पर इस कैप्चा को इस बॉक्स में डाल देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद बैंक की तरफ से एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को इस बॉक्स में डाल देना है, उसके बाद कंफर्म पर आपको क्लिक कर देना है। तो भाई कंफर्म पर क्लिक करने के बाद इस तरह का तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको क्रोम ब्राउजर के थ्रू करने पर भी देखने को मिलता था। ओके, यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन है, आप अपने पासवर्ड को कैसे रिकवर करना चाहते हैं, यूजिंग ATM कार्ड डिटेल्स, यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड, या फिर रिसेट योर लॉगिन पासवर्ड विथ ब्रांच एक्टिवेशन। यहाँ पर दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास ATM कार्ड है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है लेकिन आपने प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट कर रखा है तो आप सेकेंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर इनमें से दोनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, मेरा मतलब ना तो ATM कार्ड है और ना ही आपके पास प्रोफाइल पासवर्ड है, ओके, तो आप थर्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। आप अपने ब्रांच में विजिट करके वहां पर आप अपना पासवर्ड रिकवर करवा सकते हैं, रिसेट कर सकते हैं। तो मेरे पास ATM कार्ड भी है और प्रोफाइल पासवर्ड भी है, तो मैं कोई भी एक चूज कर लेता हूँ, तो मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन ही चूज कर लेता हूँ, बिल्कुल सिंपल है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सबमिट, सबमिट पर क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आ जाएगा आपके सामने। अब देखिए यहाँ पर आपका ATM कार्ड दिख जाएगा, कार्ड नंबर, उस पर क्या नाम है और कार्ड टाइप एक्टिव है या नहीं, तो आपको सिंपली अपना कार्ड सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से, उसके बाद कन्फर्म कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपको कार्ड डिटेल्स डालना होगा। ओके, यहाँ पर आप एक्सपायरी डेट डाल दीजिए, उसके बाद ईयर डाल दीजिए,
कार्ड होल्डर्स नेम क्या है इस बॉक्स में आपको डाल देना है। उसके बाद आपके कार्ड का पिन क्या है इस बॉक्स में आपको डाल देना है। दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग अपने डेबिट कार्ड का पिन अभी तक जनरेट नहीं किए हो, या फिर चेंज करना चाहते हो, या फिर नया पिन जनरेट करना चाहते हो वो भी घर बैठे और आपको नहीं आता, तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लेना। सारी की सारी वीडियो बनाई गई है यार आप लोग के लिए, इसलिए सपोर्ट भी जरूर करना। उसके बाद यहाँ पर इस कैप्चा को इस बॉक्स में डाल देना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का पेज आ जाएगा। पहले तो ये आएगा कि आपका जो कार्ड का वैलिडेशन है वो सक्सेस हो चुका है। ओके, तो आपका सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा देर वेट कीजिएगा, आपको बैक वगैरह कुछ बटन नहीं दबाना है, तब आपके सामने ऑटोमेटिक इस तरह का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना लॉगिन पासवर्ड डाल देना है। ओके, यहाँ पर फर्स्ट वाले बॉक्स में आप जो नया पासवर्ड डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए, सेकेंड वाले बॉक्स में वही सेम पासवर्ड जो आपने ऊपर वाले बॉक्स में डाला होगा वही पासवर्ड इसमें भी डाल दीजिए। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। पासवर्ड कैसा होना चाहिए यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है, आप रीड कर लेना, क्योंकि पासवर्ड काफी ज्यादा मायने रखता है आपकी सिक्योरिटी का, इसलिए आप पासवर्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिएट करना। ओके, तो यहाँ पर आप पासवर्ड डाल करके सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो आपके बैंक की तरफ से एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को डाल करके कंफर्म कर देना। तो जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करोगे आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा, यानी कि रिसेट हो जाएगा, और आपका जो पासवर्ड है वही अब होगा जो आपने अभी अभी यहाँ पर डाला होगा, वही पासवर्ड अब आप लॉग इन करते वक्त डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लॉग इन कर पाओगे बिल्कुल ही आसानी से। दोस्त मैं अभी आपको पासवर्ड रिसेट करके इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2-4 दिन पहले मैंने अपना पासवर्ड रिकवर किया था, जो कि मैं बार बार चेंज नहीं करना चाहता। ठीक है, वैसे इसी प्रोसेस से आप कर सकते हो बिल्कुल ही आसानी से। और मैंने क्रोम ब्राउजर के थ्रू यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों ही रिकवर करने का प्रोसेस बता रखा है, आई बटन में लिंक तो मैंने आपको बता ही दिया, मिल गया होगा तो आप उसमें देख लेना, पासवर्ड रिकवर करने का प्रोसेस कंप्लीट बताया गया है। यहाँ पर भी मैं आपको बहुत हद तक बता दिया हूँ, सिर्फ आपको ओटीपी अब आएगा और ओटीपी डालकर कंफर्म कर देना है, आपका पासवर्ड रिकवर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्त अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी प्रकार का सवाल रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम की आईडी स्क्रीन पर दिख रही होगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर भी जाकर आप सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए और अपना सवाल रखिए ताकि मैं आपको रिप्लाई दे सकूं। तो आज बस इतना ही। सो आई होप फ्रेंड्स आज की यह वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी और साथ ही आपको नॉलेज भी काफी अच्छी मिल गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है, अंदर से एनर्जी पैदा करता है, ताकि मैं आप लोगों के लिए डेली नॉलेजेबल कंटेंट लाता रहूं। सो प्लीज लाइक जरूर करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस नॉलेजेबल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।